Ram Ram, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाय ट्रीट। मैं निशा वर्मा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मेरा ये शौक है खाना बनाने का, और मेरे बच्चों को तो खाने का बहुत शौक है। नई नई चीजें हमेशा, मम्मी आज ये बनाइए, मम्मी आज वो बनाइए, तो मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि आज क्या बनाएं, क्या नया करें, तो मुझे समझ आई ब्रेड और कस्टर्ड। तो ये बच्चों को तो वैसे भी बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरे बच्चे मीठा बहुत पसंद करते हैं ना, इसलिए डेजर्ट के लिए मैं ज़्यादा वो रहती हूँ कि हाँ डेजर्ट ही बनाऊँ ज़्यादातर। और ये जो मैंने डिश बनाई है ये बुजुर्गों को भी बहुत पसंद आती है। उसका रीज़न ये है कि इसे ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, इतनी सॉफ्ट होती है ना कि बस फटाफट मुँह में डालिए और ये घुल जाती है। जो छोटे बच्चे हमारे हैं बगैर दांत वाले ये उन्हें भी बहुत पसंद आती है। तो आइए आप हमारे साथ चलिए देखते हैं कि बाय टू वीक की आज रसोई में क्या है। आज मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई है, वो कैसे बनी है और कैसे बनती है। इसके लिए मैंने ये देखिए चेरी ली है, करौंदा चेरी है ये गार्निश के लिए मैंने 6 पीस लिए हैं। और ये ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड मैंने इसके किनारे कट कर लिए हैं, ब्राउन साइड इसका 6 पीस ये भी हैं। और ये दूध मैंने लिया है 1 कप है, इसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के रखी है, ये ब्रेड को भिगाऊंगी। और ये मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया है, 1/2 लीटर दूध था और उसमें 100 ग्राम चीनी। थोड़ा सा मीठा अगर ज़्यादा आप लोग खाते हैं तो कम या ज़्यादा जो भी कर सकते हैं आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कस्टर्ड इसलिए भी बना के रखा है क्योंकि ये थिक होना काफ़ी ज़रूरी है, और इसकी थिकनेस कम से कम 3 या 4 घंटे अगर ठंडा कर लीजिए या फ्रिज में अगर आप रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से थिक हो जाएगा तो वो फैलना मतलब फैलेगा नहीं, वो आपकी पुडिंग बिल्कुल सेट होके हो जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ आप देखिए। ब्रेड रख ली है तो अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, ये मीठा दूध, इसे ये दूध डालने से आपकी और सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना है नहीं तो फिर वो बहना शुरू हो जाएगा। अब ये कस्टर्ड इस पे फैला दूंगी। अब ये देखिए, अब इसके ऊपर फिर ये ब्रेड लगा दी और उसके ऊपर फिर ये मैंने थोड़ा इसमें दूध डाल दिया है। अब उसके ऊपर फिर एक कस्टर्ड का लेयर इसमें लगा दूंगी। अब मैंने इसे कट करके बीच से और कुछ केसर के धागे और करौंदा चेरी इनसे गार्निश करके मैंने ये सर्व करने के लिए रखा कीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। Thank you.